हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। रीकैप सीरीज में आपका स्वागत है। बायोमेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, और मुझे उम्मीद है जब आपने लेक्चर वन को अटेंड किया होगा, उसको देखा होगा, तो कई नई चीजें आपने सीखी होंगी और आपका रिविजन को एक बहुत मजबूती मिली होगी। तो इसी को जारी रखते हुए शुरू करते हैं लेक्चर टू। और ये रहा लेक्चर टू का पहला सवाल, आप इसे नोट कर सकते हैं। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट इनटू फोर इक्विवेलेंट पार्ट्स, उसे चार बराबर हिस्सों में काटा गया। एक कट वन कट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वन कट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड द अदर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज। तो देखिए, ये थ्योरी पहले समझिए आप, ये कैसे थ्योरी को करा जाता है। देखिए, ये आपका एक लेंस है, हमने इसके चार बराबर हिस्से करने हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको कैसे काटेंगे, परपेंडिकुलर। जब हम उसको परपेंडिकुलर काटेंगे, मान लीजिए इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी एफ है, तो परपेंडिकुलर काटने पे हमें दो लेंस मिलेंगे, एक ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा। तो परपेंडिकुलर कटिंग से क्या होता है, फोकल लेंथ आधी हो जाती है। तो इन दोनों टुकड़ों की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ बाय टू और एफ बाय टू। अब बीच में से कट लगा दिया हमने, एक कट लगा दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब हमें चार टुकड़े मिलेंगे। कितने टुकड़े मिलेंगे, चार, दो और तीसरा ये मिलेगा और चौथा ये मिलेगा। तो पैरेलल कटिंग से फोकल लेंथ में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इनकी भी फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ बाय टू, एफ बाय टू, एफ बाय टू, और इसकी भी होगी एफ अपॉन टू। तो हमेशा याद रखिए, परपेंडिकुलर कटिंग से फोकल लेंथ बदल जाती है, पर पैरेलल कटिंग से फोकल लेंथ कभी भी नहीं बदलती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा पहला, एफ बाय टू। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखिए। परपेंडिकुलर कटिंग से फोकल लेंथ आधी हो जाती है और फिर पैरेलल काटने से फोकल लेंथ में कोई भी बदलाव नहीं होता है, बस इतना ही याद रखना है तो हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट भी है। इन द फिगर गिवन बिलो देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेस एल वन एंड एल टू हैविंग फोकल लेंस एफ वन एंड एफ टू। तो ये थोड़ा सुधारिए, इसको फोकल लेंथ क्या है इसकी, एफ टू है। द डिस्टेंस बिटवीन एल वन एंड एल टू विल बी, चार आंसर है, एफ वन प्लस एफ टू, एफ टू, एफ वन माइनस एफ टू। चलिए करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देखिए इसको आपको समझा देते हैं, जब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पर। तो ये इसका फोकस होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ होगा। अब यहां से आने वाली लाइट रे जब दूसरे लेंस से पास हो जाती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल। दूसरा लेंस भी कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं, एक फोकस होता है सेकंड फोकस, दिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस, और दूसरा फोकस होता है जब फर्स्ट फोकस से, ये हो गया हमारा सेकंड फोकस और ये हो गया हमारा फर्स्ट फोकस। और जब लाइट रे फर्स्ट फोकस से आती है तो लेंस से गुजरने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ दो लेंस दिए गए थे आपको, कितने लेंस दिए गए थे, ये दो दिए गए थे, एक एल वन है और एक एल टू है। तो ये इसका फोकस हो गया। अब इस पॉइंट से आने वाली लाइट रे इस दूसरे लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाती है, तो ये इस लेंस का, सेकेंड लेंस का फर्स्ट फोकस हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है, एफ टू होगा, फोकल लेंथ के बराबर। तो क्लियरली देखने पर समझ में आता है कि लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एफ वन प्लस एफ टू। फोकस की डेफिनेशन पर बेस ये सवाल था।
तो इसका आंसर है F1 प्लस F2, पहला आंसर राइट आंसर है। तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर ले। बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव। चलिए थोड़ा रे डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और लाइट रे एक नियरेस्ट ऑब्जेक्ट से, और मान लीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो ओ लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा है, यू ओ डिस्टेंस पे रखा है। इससे चलने वाली लाइट रे यहाँ इमेज बनती है, पहली इमेज, और ये बन गई आपकी इमेज। तो पहली इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, राइट हैंड साइड में बन रही है और रियल होगी और थोड़ी एनलार्ज भी होगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो इसका आंसर है रियल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, और यहाँ आप और इससे ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और थोड़ी एनलार्ज भी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, कॉनकेव मिरर पर बेस्ड सवाल है, इसको आप नोट करें। अ कॉनकेव मिरर गिव्स एन इमेज थ्री टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फॉर द इमेज टू बी रियल द फोकल लेंथ शुड बी। तो देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको कुछ थ्योरिटिकल आइडिया इसमें दे देते हैं। तो देखिए कॉनकेव मिरर है, और आप जानते हैं मिरर का जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वी ओ बाय यू, और मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/vo, नहीं मतलब माइनस वी बाय यू, आई एम सॉरी मैं माइक्रोस्कोप का लिख रहा था, 1/u + 1/v। अब क्या करिए, इस पूरे इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताना चाहता हूँ। v बाय एफ, तो ये हो जाएगा v बाय यू, v इंटू 1/v, 1 हो जाएगा। तो v बाय एफ माइनस 1 = v/u, ठीक है। तो इसको फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वी बाय एफ प्लस 1 = -v/u। तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, 1 - v/f। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो रिविजन कर रहे हैं तो फॉर्मूला रिविजन भी तो करना चाहिए। तो अब जैसे देखिए 1/f = ये सवाल तो हो ही जाएगा। अब इस पूरे मिरर फॉर्मूले को यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू बाय एफ आता कैसे है, 1 + u/v। तो यू बाय एफ -1 = u/v, एलसीएम लो, यू माइनस एफ इक्वल टू यू बाय वी, पलट दो, तो मैग्निफिकेशन का अब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था -v/u, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं -f/f - u। अब ये तीन फॉर्मूले हो गए। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन को आप ऐसे याद रखेंगे, -v/u -f/f - u, और एक हमने अभी बनाया था वो क्या था, 1 - v/f, -v/u को ही हमने लिखा था, 1 - v/f, 1 - v/f। एक तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए रिवीजन में। दूसरी चीज याद रखनी चाहिए, जब रियल इमेज बनती है, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। और एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एक और बात आपको याद रखनी चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए हम ये फॉर्मूला, ये जो हमारा सवाल है, हम इसको एक लाइन में एक स्टेप में कर सकते हैं, m इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू से, m इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू से। इमेज कैसी बनी? रियल। मैग्निफिकेशन कितना है? 3 times। तो m को हम ये क्या लिखना है? माइनस थ्री। तो ये हो गया माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये प्लस हो जाएगा 3 upon f upon f minus u। और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो ये माइनस 20 लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो 3 इक्वल टू f अपॉन f प्लस 20, बहुत सरल है, 3f प्लस 60 इक्वल टू f, 2f इक्वल टू माइनस 60, एफ इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव ही होती है, पर उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 30। तो अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये सब फॉर्मूले से क्या है, हम इसको बहुत आराम से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो एक रिविजन हो गया मिरर के मैग्निफिकेशन का, उम्मीद है आपको इससे फायदा हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, रिफ्रेक्शन पर बेस्ड सवाल है, इसको नोट करिए। अरे ऑफ लाइट पासेस नॉर्मली थ्रू ए स्लैब म्यू इक्वल टू 1.5 ऑफ थिकनेस टी, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, देन टाइम टेकन बाय द रे टू गो अक्रॉस द स्लैब। देखिए बड़ा सरल सवाल है कि एक लाइट रे टी मोटाई के स्लैब को, टी थिकनेस के स्लैब को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि वेलोसिटी स्लैब में, हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस कितना है टी, और टाइम को हम लिख देते हैं टाइम। तो वेलोसिटी इन स्लैब अगर हम निकाल लें लाइट की, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। तो अब हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वेलोसिटी इन स्लैब। तो स्लैब में वेलोसिटी कितनी होगी? स्लैब में वेलोसिटी आ जाएगी सी बाय म्यू, सी बाय म्यू, बस वहां रख दो, सी बाय म्यू इक्वल टू टी अपॉन टाइम। टाइम को टी मत लिखो, टाइम को टाइम ही लिखो। तो कितना टाइम में क्रॉस करेगी? म्यू टी बाय सी। कितना टाइम लेगी? म्यू टी बाय सी। बिल्कुल सीधा सवाल था, सरल सवाल था, म्यू टी बाय सी, म्यू टी बाय सी। और तो टाइम हो गया हमारा म्यू टी बाय सी। अब म्यू की वैल्यू भी है 1.5 टी बाय सी, 1.5 को हम लिख देंगे 3/2 टी बाय सी। तो ये हो गया 3t/2c। राइट आंसर इज सेकंड। तो किसी भी मीडियम में जब भी आपसे पूछा जाए कि एक कांच की खिड़की को, ग्लास विंडो को क्रॉस करने में लाइट कितना टाइम लेगी, तो बहुत सिंपल है, वेलोसिटी इन ग्लास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल फॉर्मूला लगा दो तो आंसर भी आ जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए, भूल जाते हैं, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हम इन सब चीजों को भूल जाएंगे। अब ये हमारा ये रहा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 degrees, इफ म्यू ऑफ द ब्लॉक इज √3, देन एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में बात हो ही जाए, ये हमारा स्लैब हो गया, इस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहां पर हमने ड्रॉ करा नॉर्मल, ये एंगल आपको दिया हुआ था।
कितने डिग्री, 60 डिग्री, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा हमें इसको थोड़ा इसको रीड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा स्लैब है, ये देखिए ये लाइट रे आ गई है ना। अब यहां से हमने लाइट रे को मोड़ दिया, ये एंगल है आप 60 डिग्री, अब ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। आर अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट रे कैसे चली जाती, सीधे चली जाती, पर वो अपने पास से मुड़ गई, तो अपने पास से कितना मुड़ गई, डेल्टा मुड़ गई। तो आर प्लस डेल्टा, ध्यान दीजिए, आर प्लस डेल्टा, ये टोटल एंगल कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा, इट शुड बी इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो डेल्टा हमेशा क्या होगा, 60 माइनस आर। तो डिविएशन हमेशा याद रखिए कितना होता है, आई माइनस आर। अगर आपको आर मालूम है तो आप डिविएशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स का लॉ लगाया, म्यू दिया है रूट थ्री, चलिए, और ये दिया है साइन 60 अपॉन साइन आर। साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाय टू साइन आर, तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, टू साइन आर को इधर ले आओ, इक्वल टू वन, साइन आर इक्वल टू वन बाय टू, मतलब 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो डिविएशन क्या होगा, आई माइनस आर, 60 माइनस 30, द आंसर इज 30 डिग्री। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, द आंसर इज 30 डिग्री, द राइट आंसर इज 30 डिग्री। हमेशा याद रखिए किसी भी रिफ्रैक्शन के कारण डिविएशन क्या होता है, आई माइनस आर, तब होता है जब आई ग्रेटर देन आर हो, और r माइनस आई भी हो सकता है जब r ग्रेटर देन आई हो। तो डिविएशन का मतलब आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको नोट करिए। टू थिन लेंसेस ऑफ पावर 2D एंड 3D, टू डायोप्टर एंड 3 डायोप्टर आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, an object is placed at a distance of 30 cm from the combination, the distance in centimeter of the image from the combination. तो सबसे पहले पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, आप जानते हो फोकल लेंथ क्या होती है, 1/P1। तो पावर है इसकी 1/2। देखिए 2D का मतलब होता है 2 डायोप्टर, डी उसकी यूनिट है, डी उसकी यूनिट है। तो पहले लेंस की फोकल लेंथ हो गई 1/2 मीटर, तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं तो ये हो गई 50 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है। अब दूसरे लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, 1/P2, पावर है इसकी 1/3 मीटर, तो ये हो गया 1/3 × 100, 100/3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर में कर रहे हैं। अब ये एक लेंस हो गया आपका, ये दूसरा लेंस हो गया, दे आर कैप्ट इन कॉन्टेक्ट, F1 F2। तो सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकाली जाए, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकाली जाए, तो वो कैसे निकाली जाएगी, 1/F1 + 1/F2 है ना। तो ये आपका हो गया 50 सेंटीमीटर और ये हो गया 100/3, तो ये 50 और ये हो गया 100/3, तो ये हो जाएगा 1/50 + 3/100। LCM लीजिए, 100 × 2 + 3 = 5/100, 500 को 20 बार काट देगा, 1/F = 1/20, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इस कॉम्बिनेशन से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब फॉर्मूला ऑफ मिरर, फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला यूज कर ले,
ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है और इसकी फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 20। 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है बाई तरफ, -30, 1/20, 1/v, +1/30। इधर ले आइए 1/20 -1/30 इज 1/v, एलसीएम 60, 3 -2 1/v, तो 1/60 इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन भी तो पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है 60 सेंटीमीटर, द फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पे मेरा ज़्यादा भरोसा है, मैं ये चाहता हूँ कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में क्या होता है, हम फ्लो में करते जाते हैं, कई बार सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। गलत हो जाता है तो वो पूरा निगेटिव हो जाता है, तो हमारी सक्सेस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निगेटिव से ही होता है। तो निगेटिव अगर हमने रोक लिया तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करें। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस है और कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ये बात तो समझ में आ गई। द लाइट इमर्जेस पैरेलल फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस। तो पैरेलल बीम फॉल्स ऑन ए, अच्छा, द लाइट इमर्जेस पैरेलल फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस। तो ये देखिए, ये ऐसा है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये रखा है हमने इसके पास एक कॉनकेव लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पैरेलल लाइट रे कॉन्वेक्स पर फॉल होती है, पैरेलल लाइट रे किससे फॉल होती है, कॉन्वेक्स पर। तो ये आपकी लाइट रे पैरेलल हो गई और ये कॉन्वेक्स लेंस उसे कन्वर्ज कर देगा। ये देखिए यहां पर, अगर कॉनकेव लेंस नहीं होता तो ये उसके फोकस पर जाके कन्वर्ज होती है। और ये दिया हुआ है, इसका फोकस लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। पर हुआ क्या, ये अब बिल्कुल सही बन गया और लाइट रे को ये कॉनकेव लेंस क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। क्या कर देता है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉन्वेक्स पे आई और कॉनकेव से बाहर निकली तो पैरेलल। तो ये डॉटेड लाइन होते हैं, ये बताया गया है कि भाई अगर ये कॉनकेव लेंस नहीं होता तो ये अपने फोकस पे जाकर चली जाती। अब ये 15 सेंटीमीटर है और कॉनकेव के फोकस की डेफिनेशन भी आपको मालूम है कि अगर किसी पॉइंट से आने वाली, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट, देखिए मल्टीपल रिफ्रैक्शन की थ्योरी क्या कहती है, इस लेंस ने ये पहली इमेज बनाई, पहली इमेज क्या होती है, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये पहली दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट उससे कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये किसका फोकस होगा, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस होगा। तो अब इन दोनों लेंसेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, खुद देख लो, ये 15 है और ये 5 है, तो 15 में से 5 गया, आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज लाइक दिस,
पर ये लेंस नहीं होता तो लाइट रे यहां जाके कन्वर्ज होती, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 15 के बराबर होगी। तो किसी पॉइंट से आने वाली जब लाइट रेस क्या होती है, कॉनकेव से पैरेलल हो जाती है, तो वो कॉनकेव का फोकस होगा। कॉनकेव की फोकल लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। प्लीज गलती मत कर दीजिएगा, लेंसेज के बीच में डिस्टेंस है, ये 15 है और ये 5 है, कोई साइन कन्वेंशन नहीं। 15 में से 5 गया तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज 1.5 एंड फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। इफ द रेडी ऑफ कर्वेचर आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ रेडी ऑफ कर्वेचर इज। तो देखिए एक लेंस बना लेते हैं, ये हमारा लेंस बना दिया हमने। अब इसके दो सरफेस होंगे, एक पहला और एक दूसरा। ये होता है पहला सरफेस का रेडियस, सेंटर यहां का ही होगा, और ये दूसरे सरफेस का सेंटर, इसका सेंटर लेफ्ट में होगा। तो जब हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं तो साइन कन्वेंशन में यूज करते हैं, म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब R1 को हमें क्या साइन देना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड पर है, और R2 को कौन सा साइन देना चाहिए, नेगेटिव। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों बराबर हैं, तो R1 को हम अगर प्लस R लेंगे तो R2 को हमें लेना पड़ेगा माइनस R। तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं, तो 1 अपॉन F इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन R माइनस माइनस 1 अपॉन R। तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2 बाय आर। तो एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, यह फॉर्मूला बन गया। एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। तो फोकल लेंथ आपकी दी गई है 5 और म्यू दिया हुआ है 1.5। तो ये हो गया 5 इक्वल टू आर अपॉन 1.5, में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0.5। 0.5 मतलब 5 इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू हाफ कैंसिल, तो आर बराबर किसके हो जाएगा, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आपने देखा है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं पेपर यूज टू बी वेरी वेरी सिंपल, उसके बावजूद भी हम उसमें गलतियां करके आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो रिवीजन की क्या है, प्रॉब्लम है। तो जितना हम रिवीजन करेंगे उतने ही आप अपने सक्सेस के पास पहुंचेंगे। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, ये सरल था, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इक्वल है। साइन स्कीम का आप हमेशा ध्यान रखें। अब जैसे कॉनकेव लेंस के केसेस में ये R1 इधर होगा और R2 इधर होगा, रिवीजन कर रहे हैं तो R1 को कौन सा साइन दोगे, नेगेटिव, और R2 को कौन सा साइन दोगे, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स हो कॉनकेव के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव के केस में क्या होगा, यहाँ से कॉन्वेक्स है और यहाँ कॉनकेव है, तो दोनों R1 और R2 राइट हैंड साइड पर होंगे, तो दोनों R1 और R2 को पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये कॉनकेवो, ये इधर से कॉन्वेक्स, ये R1 और ये R2, तो R1 नेगेटिव, R2 भी नेगेटिव। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन को ही नहीं रिवाइज करना, थ्योरी को भी रिवाइज करेंगे साथ साथ, क्योंकि जिन्होंने ये लेक्चर्स देखे हैं उन्होंने डिमांड करी कि कुछ थ्योरी भी हो जाए, तो थ्योरी को हमने थोड़ा एड ऑन इसमें कर दिया। 2 मिनट ही लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये अगला सवाल है, आप इसको नोट करिए।
लाइट फॉल्स एट नॉर्मल इंसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑन वन फेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू, देन द एंगल ऑफ इवर्जेंस व्हेन द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री। तो अब इसको तो देखिए करना पड़ेगा, ये देखिए ये हम बना लेते हैं प्रिज्म, ये बना लिया हमने एक प्रिज्म। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, ये हमने बना लिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने नॉर्मल बनाया है ना, इसको थोड़ा हमारा कलर से बताना चाहेंगे, ये देखिए ये नॉर्मल है। अब एक लाइट रे क्या हुआ, एक लाइट रे नॉर्मल पे ही आई, तो देखिए नॉर्मल पे आई, तो जब लाइट रे नॉर्मल पे आएगी तो बिना मुड़े चली जाएगी इस फेस पर और फिर इस फेस में वो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कहलाता है नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि इस फेस पे बनने वाले दोनों एंगल आई और आर वन जीरो हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है, और क्योंकि आर वन जीरो है तो आर टू किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो ये एंगल जो है आर टू ये किसके बराबर हो जाएगा, ए, और ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये सिचुएशन हो गई, ये नॉर्मल आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार फिर उस नॉर्मल को दिखाते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल है, तो चलो कलर बदल देते हैं ये कलर, अब देखिए दिख रहा है ये नॉर्मल, तो लाइट है नॉर्मल पे आएगी, तो नॉर्मल पे आएगी तो नॉर्मल से बनने वाले एंगल क्या हो जाएंगे वहां पर, जीरो। अब म्यू इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर टू, तो साइन ई को आप लिख सकते हैं म्यू साइन आर टू, क्या लिख सकते हैं म्यू साइन आर टू, म्यू साइन आर टू, तो म्यू दिया हुआ है रूट टू, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू साइन ए, तो देखिए म्यू दिया हुआ है रूट टू और ये दिया हुआ है साइन 45, तो साइन 45 कितना होगा 1/√2, तो साइन ई कितना होगा 1, तो ई कितना होगा 90 डिग्री, एंगल ऑफ इमरजेंसीज 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया सवाल, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का भी केस आपको मालूम होना चाहिए, और एक और केस है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ आपको मैं बता दूं, एक दूसरा जो केस होता है वो दो केस हमें मालूम होना चाहिए, एक नॉर्मल इमरजेंस का भी केस होता है, ये देखिए ये नॉर्मल हमने बना लिया, ये नॉर्मल बन गया, अब एक लाइट रे क्या हो रही है नॉर्मल पे इमर्ज हो रही है ऐसे, ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, तो ये यहां पर आई, ये एंगल है आई और ये एंगल है आर वन, तो जहां से वो नॉर्मली निकलती उस फेस पे बनने वाले दोनों एंगल हो गए 0 डिग्री, तो क्योंकि आप जानते हो ए हो गया आर वन प्लस आर टू, आर टू 0 होने के कारण हम बोल सकते हैं ए किसके बराबर है आर वन, तो ये हो गया आपका ए, और म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाय साइन आर वन, तो यहाँ पे आप म्यू के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो साइन आई अपॉन साइन ऑफ ए, ये तभी जब सेकंड फेस पर कितने एंगल पर आए 90 डिग्री पर आए, ये सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट करिए, सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपने नोट कर लिया सवाल को, अब चार लेंसेज दिए गए हैं, पहले लेंस की पावर है 100 डायोप्टर, दूसरे की 50 डायोप्टर, तीसरे की 20 डायोप्टर, चौथे की 5 डायोप्टर, विच लेंसेस विल यू
यूज टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर बेस्ट मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं पहले लेंस की। वन बाय 100 मीटर, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 1 सेंटीमीटर। सेकंड लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं, 50 डायोप्टर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/50 × 100, 2 सेंटीमीटर। तीसरे की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/P3 तो 1/20 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 5 सेंटीमीटर। और फिर चौथे की पावर निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ 1/5 मीटर तो 1/5 मीटर को फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20 सेंटीमीटर। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए लार्ज मैग्निफिकेशन की कंडीशन ये होती है कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उनका डिफरेंस भी कम होना चाहिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम पहला और दूसरा लेंस यूज करना चाहेंगे। तो पहले को हमने ए बोला है, दूसरे को हमने बोला है बी, तीसरे को बोला है सी, चौथे को बोला है डी। तो हमारा इसका आंसर होगा ए और बी। तो हमेशा याद रखिए, फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एफओ एंड एफई शुड बी स्मॉल, ये पहली कंडीशन है, याद रखिए। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो एफओ और एफई दोनों को छोटा होना चाहिए और एफओ माइनस एफई इज ऑल्सो स्मॉल। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए क्या कंडीशन होती है लार्ज मैग्निफिकेशन की, तो वो भी आपको बता देते हैं। एफओ लार्ज होना चाहिए, एफई स्मॉल होना चाहिए और एफओ माइनस एफई लार्ज होना चाहिए। तो अब आपको यहां पर 4 लेंस दिए गए थे जिनकी फोकल लेंथ थी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड एक था हमारा 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो माइक्रोस्कोप के लिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये यूज करिए। और टेलीस्कोप के लिए क्या होना चाहिए, एफओ यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, एफओ लगभग 80-90-100 के आसपास होना चाहिए, तो वो यहाँ हमें मिलता नहीं है। तो ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, देखिए। अरे रिफ्लेक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट ए सर्टेन एंगल अंडरगोज अ डिविएशन ऑफ 300 डिग्री, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल इमेजेस आर। तो देखिए ये आपके 2 मिरर्स हैं जो आपके कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लें थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, और एक लाइट रे का 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होता है। ये देखिए, तो देखिए ऐसे केसेस में हमेशा हमें याद रखना चाहिए, थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि टोटल डिविएशन होगा 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा जो कि यहां दिया गया है 300। तो 360 माइनस 300 इक्वल टू 2 थीटा, 60 इक्वल टू 2 थीटा। तो मिरर्स के बीच में एंगल कितने डिग्री आया, 30 डिग्री। अब नंबर ऑफ इमेजेस पूछी गई है, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हमें
निकालना पड़ेगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो हम निकालते हैं तो 360 बाय थीटा 30, ये कितना आता है, 3 कैंसिल हो गया, ये 12 आया, तो एक इवन नंबर आया। तो हम जानते हैं इवन नंबर के केस में नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, एक माइनस करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 11, 11 इमेज हमें दिखाई देंगी। तो ये इसका थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। कितनी इमेजेस हमें दिखाई देंगी, 11 इमेजेस दिखाई देंगी। ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। तो डबल अप्रोच पर बेस क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब देखिए, अ रियल इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज 4.5 टाइम्स, तो ध्यान दीजिएगा, 4.5 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैग्निफिकेशन है 4.5। पर सवाल ये उठता है कि ये प्लस है कि माइनस है, तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है, माइनस होता है। इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट्स फोकल लेंथ इज। तो देखिए, सबसे पहली बात है मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला यूज किया, माइनस वी बाई यू। दूसरी बात है 4.5 इक्वल टू वी बाई यू। अब 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 9/2। अब ठीक है, तो v इक्वल टू 9u/2, तो ये हो गया 9 × 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 बार कट गया, तो v की वैल्यू आ गई 90। v की वैल्यू आ गई 90। अब हमने मिरर फॉर्मूला यूज करना है, 1/f = 1/v − 1/u। तो हमेशा याद रखिए, इन केस ऑफ रियल इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ऑब्जेक्ट मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम रखेंगे, ये v प्लस यू है, तो ऑब्जेक्ट है आपका कितने सेंटीमीटर में, -20, तो v को भी हमें कितना लेना पड़ेगा, माइनस ही लेना पड़ेगा। तो v की वैल्यू हम यहाँ पे साइन देना पड़ेगा, हमें कितनी देनी पड़ेगी, -90। अब एलसीएम, 90 और 20 का एलसीएम 180, -2 − 9 − 11/180, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होगी −180/11, होती ही नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू कितनी है। अब सवाल ये उठता है उसकी वैल्यू कितनी है, 180/11। तो इसका ये आंसर है, चौथा आंसर सही है। तो ये बात बड़ी ध्यान रखना आप, कि जब भी रियल इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के एक ही तरफ होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट बाईं तरफ रखा हुआ है तो इमेज भी कहां बनेगी, बाईं तरफ बनेगी। इसलिए हमने वी का साइन यहां पर क्या दिया, नेगेटिव दिया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, सीधा साधा सवाल है, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए अच्छा है, इसको नोट कर ले। ओके, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 रिस्पेक्टिवली, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हमें निकालना है W μg, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम इसको लिख सकते हैं μg/μw। μg कितना है, 3/2, μw है 4/3, तो इसका आंसर होगा 9/8। सीधा सीधा सवाल,
तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि वन म्यू टू को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकते हैं, ये बात इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, आप इसको स्टार क्वेश्चन की मार्किंग दे सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको नोट करिए। अब सवाल पढ़ते हैं। अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस। द एरिया एनक्लोज बाय द इमेज ऑफ द वायर। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये जो सवाल है ये बेस्ड है मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया पर, मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया। हमेशा याद रखिए मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया क्या होता है, एम स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, एम स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। स्क्वायर की साइड है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ इमेज का आंसर आ गया 9m². बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें मैग्निफिकेशन को निकालना है और इस फॉर्मूले में रखना है। तो ये हमारा सवाल आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब डिस्टेंस देखते हैं कितना है, -25। मिरर की फोकल लेंथ देखते हैं 10। तो एक काम करते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 अपॉन u + 1 अपॉन v। मिरर की फोकल लेंथ एक बार फिर चेक कर लें, 10 है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। और ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर, लेफ्ट पर रखा हुआ है। तो ये हो गया 1 अपॉन 25 - 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 50, 25 2 जा 50, और ये 2 - 5। तो इमेज आपकी आ जाएगी -50/3। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, -50/3। ध्यान से, -50/3 ऑब्जेक्ट है -25 पे, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -50/3 -25। ये कट जाएगा 2 बार, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2/3। कितना आ गया, -2/3। उसके बाद हमारा फॉर्मूला था एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना था, 9। अब एम भी आ गया हमारा, कितना, -2/3। तो एरिया ऑफ इमेज हो जाएगा -2/3 का स्क्वायर इंटू 9। -2/3 का स्क्वायर होगा 4/9 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ इमेज आया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन पे जाते हैं वापस और देखते हैं कौन सा आंसर है। यस, पहला आंसर सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आप नोट करिए।
ओके, अब सवाल को हम पढ़ते हैं। अ वेसल ऑफ डेप्थ 2H, एक बर्तन है उसकी गहराई 2H है, इज हाफ फिल्ड, आधा भरा हुआ है, विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2√2 एंड द अपर हाफ विद अनदर लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2√2। तो ऊपर नीचे भरा हुआ है वो लिक्विड जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2√2 है, और उसके ऊपर भरा हुआ है लिक्विड जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2√2 है। द लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब वो एक दूसरे से मिलाए नहीं जा सकते। द अपरेंट डेप्थ ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल विल बी, अब आंसर है सॉल्व करना पड़ेगा। तो बर्तन का जो डिटलस सिरा है, बॉटम है, इनर सरफेस है, उसकी अपरेंट डेप्थ कितनी होगी? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले वेसल बना लेते हैं, वेसल बना लिया, और अब आधे में एक लिक्विड भरा हुआ है और आधे में दूसरा लिक्विड भरा हुआ है। अब पूरी डेप्थ इसकी दी गई है, कितनी दी गई है? 2H दी गई है। तो इसका ये मतलब है कि ये H वाला हिस्सा है और ये भी H वाला है, और ये रहा है इसका इनर सरफेस जिसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए उसको एक बार और अच्छे से दिखा देते हैं। हमें इसकी अपरेंट डेप्थ निकालनी है, ये जो सबसे निचला सिरा है, हमें इसकी अपरेंट डेप्थ निकालनी है। ठीक है, अब लिक्विड की फिलिंग करते हैं। ऊपर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 2√2। यहाँ फिल कर दिया हमने एक ऐसा लिक्विड जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 2√2। और इसके नीचे एक दूसरा लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? 2√2 है। अब हमें अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो बहुत सिंपल है। अब हमें अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अपरेंट डेप्थ इक्वल टू डी वन अपॉन म्यू वन प्लस डी टू अपॉन म्यू टू। अब डी वन कितना है? रियल डेप्थ है इसकी एच, और इसका म्यू है 2√2। इसकी रियल डेप्थ है h और इसका म्यू कितना है? 2√2। तो कॉमन क्या आएगा? अब आप देखिए कॉमन क्या आएगा, यहां पर कॉमन आ जाएगा h अपॉन 2√2। तो ये बचेगा 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 को आप लिख सकते हैं 3/2। तो हमारा आंसर है 3H अपॉन 2√2, 3H अपॉन 2√2। तो अब आंसर देखते हैं, 3H अपॉन, अच्छा देखिए, अब जो हमने आंसर निकाला था हम उसको थोड़ा बदल भी सकते हैं। 3H अपॉन 2√2 हमारा आंसर था, 3H अपॉन 2√2। अब आप क्या करिए, न्यूमरेटर में रूट टू से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर से रूट टू में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3√2H, 2 रूट टू इंटू रूट टू, 2 तो 2 इंटू 2, 4 3√2H अपॉन 4। तो सेकंड आंसर आपका सही है, रैशनलाइजेशन कर दिया। इसको आप एक बार और देख सकते हैं। तो सवाल सिंपल था, पर सवाल क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये इसका सॉल्यूशन आ गया।
अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, सीधा सीधा सवाल है, इसको आप नोट करिए। आप देखिए ये सवाल कहता है, अ फिश इज एट द डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, देन द डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज इज। तो जनरली देखिए जो फिश होती है वो पानी में ही होती है, तो ये थोड़ा बना लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ये आपका फिश हो गया, तो रिवीजन कर रहे हैं, आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा आपको थ्योरी भी यहाँ क्लियर करके चलते हैं। ये फिश है, पानी के अंदर फिश मिलती है, और मान लीजिए ये फिश है, फिश की पोजीशन हम किससे बता रहे हैं, एफ से। तो फिश की इमेज, अब ये देखिए ये पानी हो गया और ये हवा हो गई, वाटर एंड दिस इज एयर। तो फिश से दो लाइट रेस चलेंगी, देखिए फिश से कितनी लाइट रेस चलेंगी, दो, एक तो 90 डिग्री पे चली जाएगी सीधी, तो ये मुड़ेगी नहीं, और दूसरी लाइट रे डेंसर मीडियम से, लाइट रे कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल ड्रॉ करो। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी, तो ये देखिए ये आपकी इमेज बन गई। तो इमेज हमेशा, अब मान लेते हैं फिश की इमेज क्या है, एफ डैश, आपको ये निकालना है एफ डैश एफ, एफ डैश एफ को क्या कहते हैं, एफ डैश एफ को कहते हैं शिफ्ट, क्या नाम दिया गया है फिजिक्स में, शिफ्ट कहा गया है। और अगर ये गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, मान लीजिए ये डेप्थ कितनी है डी, तो थोड़ा थ्योरेटिकल रिविजन, ओ एफ रियल डेप्थ, ओ एफ क्या होगा, रियल डेप्थ होगा, वास्तविक गहराई, ओ एफ डैश क्या होगा, अपरेंट अपरेंट डेप्थ होगा। और हमें फॉर्मूला मालूम है, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है कि म्यू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, सभी को मालूम होता है। तो यहाँ रियल डेप्थ कितनी है, दी हुई है शायद क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, और म्यू भी दिया हुआ है 4/3, तो म्यू कितना दिया हुआ है 4/3, तो ठीक है, तो म्यू दिया हुआ है 4/3, रियल डेप्थ दी गई है 30, तो यहां हमें ओ एफ डैश मिल जाएगा, तो ओ एफ डैश आ जाएगा 90/4, दो से काट दो, 45/2, 22.5। अब शिफ्ट निकालना आसान है, शिफ्ट निकालना आसान है, तो शिफ्ट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट का फॉर्मूला, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ है दिया हुआ है 30, अपरेंट डेप्थ है 22.5, तो शिफ्ट आ गई 7.5, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 7.5, ये पहला आंसर होना चाहिए। आप एक बार स्टेप्स को और देख लीजिए, मैं चाहता हूँ आप स्टेप्स को देख लीजिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, है ना। तो अब ये आपने शिफ्ट निकाल ली, अब देखिए हमेशा याद रखिए, रिमेम्बर, शिफ्ट इक्वल टू डी माइनस डी बाय म्यू, एंड व्हाट इज डी, रियल डेप्थ। डायरेक्टली आप इसके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, 30 माइनस 30 अपॉन 4/3, तो ये हो गया 30 माइनस 90/4,
90 बाय 4, 45 बाय 2, एक मिनट में करना है ना, माइनस 22.5, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए, क्विकली करना चाहिए, एक मिनट के अंदर करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन का मामला था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये पूरा बता दूं। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि शिफ्ट कितनी होती है, डी माइनस डी अपॉन न्यू। तो फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला और कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, इसलिए इन पे आपको पकड़ क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा है जो हमने पिछले महीने पढ़ा वो हम इस महीने भूल गए। तो भूलना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, वो जारी रहेगा। तो आपका काम क्या है, आप रिवाइज करते रहिए। तो रिकैप सीरीज को लॉन्च करने के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, रिवीजन का ही रीजन है, प्रैक्टिस का ही रीजन है। तो कभी भी लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मत देखिए, आपको रिवाइज करना है। रिवीजन को आप जितना मजबूत बनाएंगे आप सफलता के उतने अधिक पास चले जाएंगे। तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मैं आपके अच्छे भविष्य की आपको आपके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन शुभकामनाएं काम नहीं करेंगी, रिवीजन काम करेगा, मेहनत काम करेगी। थैंक यू, सी यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।